सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सेकंड के एडियम एंड फ्रेजेस लेकर आ गया हूं। यहां पे लिखा है परीक्षा में 5 या 6 एडियम फ्रेजेस दिए जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 का प्रयोग अपने बनाए हुए सेंटेंस में इस प्रकार करना है कि उसका मीनिंग स्पष्ट हो जाए। प्रत्येक एडियम फ्रेजेस के लिए एक अंक निर्धारित है, अर्थात संपूर्ण 3 नंबर का है। 3 नंबर के अंदर एडियम्स एंड फ्रेजेस आने वाले हैं कल के परसों के पेपर में। तो आज का हमारा टॉपिक है एडियम एंड फ्रेजेस। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा हमारा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और फिर अगले वीडियो में ट्रांसलेशन सब कंप्लीट कर दूंगा। कोई भी चिंता करने की आपको बात नहीं है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपी बोर्ड एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट केवल मैंने टिक लगा दिए हैं, अदर कुछ नहीं लगाया हूँ। पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, एक आशीर्वाद के रूप में अ ब्लेसिंग इज डिस्क्यूज। अगला है अ मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। थर्ड है अ लायंस शेयर्स, महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा। हिंदी भी लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा अ लायंस शेयर तो हिंदी ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दीजिएगा महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा, फिर लिखिएगा उसकी मीनिंग द मैनेजर टुक ए लायंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। इसी तरह लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एट लार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लार्ज पकड़ से बाहर या खुला घूमना। पहले हिंदी लिखेंगे फिर नीचे लिख देंगे हाउ कुड द रैपिस्ट बी एट लार्ज क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी तरह करना है आपको पेपर में। इम्पॉर्टेंट मैंने टिक लगा दिए हैं। ये टोटल थे आपके 233 में केवल जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, उनमें टिक लगा दिए हैं। इनमें से आपका आ जाएगा 3 आएंगे, इसमें से ज़्यादा है बट आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं में से आ जाएगा। एडियम एंड फ्रेजेस याद करना बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर का ये आएगा, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी 2 नंबर के आएंगे। तो मैं आपको सब बता दूंगा, कोई भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट जिनमें जैसे यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट, ये अच्छे से देख लीजिएगा। अ बेड ऑफ रोजेस, सुख से सोना होना। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अ वाइट एलिफेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अत्यधिक खंजली वस्तु इम्पॉर्टेंट लगा है। बाइंग ए फेरारी इज़ लाइक प्रोसेसिंग अ वाइट एलिफेंट, बहुत खर्चीली वस्तु उसका होता है। अ वाइट एलिफेंट, अत्यधिक खर्चीली वस्तु। तो आप अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा, इधर भी है सब जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, सेम आप उसी तरह देख लीजिएगा। बाई लीप्स एंड बॉन्ड्स, तीव्रता से, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। जिनमें ये ज़्यादा लगे ना, ये देखिए 16, 14, 13 इस तरह वाले बहुत याद कर लीजिएगा, उन पर टिक भी लगे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके एडियम में फ्रेजेस पूरे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। फ़ोटो क्लिक करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से आप देख लीजिएगा। टोटल है आपके 233, केवल वही टिक करने जिन पे याद करने हैं, केवल वही याद करने हैं जिनको मैंने टिक किया है, ठीक है ना। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है पर आपको वीडियो ज़रूर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। कम टू लाइट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टिक लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट है इससे लेटर और एप्लीकेशन अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन ईडीएम एंड फ्रेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओम टेक्स।